देखो फ्रेंड्स, जैसे कि आजकल सर्दियाँ काफ़ी चल रही है और काफ़ी प्यारी प्यारी सर्दी है, काफ़ी ठंडी ठंडी और काफ़ी कड़ाके की भी है। तो जैसे कि सर्दी में हम ये पकवान वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं, पकोड़े वगैरह। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ब्रोकली और आलू के जो ये चाप बनाई है, ये काफ़ी अच्छी बनाई है और आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और बनाएं, सर्दियों में इंजॉय करें, क्योंकि सर्दियों में गर्म गर्म पकोड़े, चाप और पराठे काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो आप भी ज़रूर बनाएं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं नई रेसिपी। हमने वैसे नॉर्मल गोभी की पराठे भी खाए हैं, पकोड़े भी खाए हैं, हम बनाने जा रहे हैं ब्रोकली के चाप, जो कि यहाँ पे मैंने ब्रोकली ली हुई है। और इसके लिए मैंने यहाँ पे बेसन, आलू, हरी मिर्च और यहाँ पे हमने लिए गए हैं मसाले। और अब मैं यहाँ पर सबसे पहले बेसन का घोल तैयार करूँगी और मैं अब यहाँ पर बैटर तैयार करूँगी बेसन का, जिसमें कि मैं डालूँगी सबसे पहले हल्दी, थोड़ा इसका कलर जो है वो अच्छा आ जाएगा। और यहाँ पे डालूँगी नमक, हल्का, थोड़ा कम ही डालूँगी। और अब डालूँगी इसके अंदर पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका बैटर तैयार करना है। ये देखिए, हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और ये बैटर तैयार कर लेंगे। थोड़ा और पानी, और हमें ये ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा मीडियम में ही रखना है। देखिए, हमें इस तरीके का रखना है और ये अब हम इसको ढक के रख देंगे। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर गोभी इस तरीके से इसके पार्ट अलग अलग कर लूँगी और ये एक्स्ट्रा निकाल दूँगी। और ये मैंने बॉस कर ली है। और यहाँ पे जो आलू है, ये मैंने बॉयल आलू लिए हुए हैं और अब इनको इस तरीके से मैं कस लूँगी। ये देख लीजिए, मैंने ब्रोकली को कस लिया है और अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च, क्योंकि मैं हरी मिर्च यहाँ पे काट चुकी हूँ। मैंने यहाँ पे दो हरी मिर्च ली हुई है। आपको अगर तीखी है आपकी मिर्च, या आप तीखी यूज करते हो तो एक मिर्च ले सकते हो, वैसे टेस्ट के अनुसार आप दो या तीन भी यूज कर सकते हो। और देखिए, आलू मैंने सुबह उबाले थे और मैं ये थोड़े थोड़े टाइट हो रहे हैं, तो मैं इनको कस लेती हूँ। अगर आपके आलू थोड़े गर्म हो और तभी के मतलब उबाल तभी उबाले हों, तो आप इनको ऐसे ही कोड़ सकते हैं। तो देखिए, मैंने आलू को कस लिया है और अब मैं इसमें डालूँगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक धनिया, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाला है और मैं डालूँगी यहाँ पे लाल मिर्च, लाल मिर्च टेस्ट अनुसार, और ये थोड़ा गरम मसाला, काली मिर्च, नमक, नमक थोड़ा हम कम ही डालेंगे क्योंकि हमने बेसन के अंदर भी डाला है, और यहाँ पे आमचूर पाउडर, काला नमक और ये है भुना हुआ जीरा एक चम्मच, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने तैयार कर लिया। इसमें से हम थोड़ा थोड़ा सा लेके और इस तरीके से हम इसको गोल बनाएंगे। साइज अपने अकॉर्डिंग रखें, कितना बड़ा कितना छोटा रखना है, और इनकी इस तरीके से टिक्की सी बना के, और हम इनको रख देंगे इसी तरीके से, हम सारी बना रहे हैं। ये देखिए, हमने अपनी गोल गोल टिक्की तैयार कर ली है और इधर हमने ऑयल रख दिया है चूल्हे के ऊपर। थोड़ी हवा चली हुई है क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा है और हवा अभी काफ़ी ठंडी ठंडी चली हुई है, थोड़ा आँच में प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं फिर भी अभी कोशिश कर रही हूँ। ये जल चुकी है। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ये देखिए, इधर हमारा तेल गर्म हो गया और मैं एक बार ये बेसन का जो घोल है, मैं इसको डाल के एक बार देख लेती हूँ। ये देखिए, हमारा तेल गर्म हो चुका है और अब मैं एक एक टिक्की इस तरीके से उठाऊँगी और इस तरीके से बेसन में लपेट के और ये डाल दूँगी।
इसी तरीके से हम 6 या 7 टिक्की हम इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए हमने दोनों साइड से इनको अच्छे से सेक लिया है और ये इस तरीके से हमें ये गोल्डन कलर के रखने हैं और ये तेज़ आंच पे ही बनाने हैं। इतने भी तेज़ आंच नहीं कि ये अंदर से कच्चे रह जाएं। थोड़ा तेल को अच्छे से पका के फिर आप नॉर्मल आंच रख सकते हैं। ये देखिए हमने ब्रोकली चाप बना के तैयार कर दिए हैं और ये फूली फूली नरम नरम है। ये देखिए काफ़ी नरम बन रही है और ये खाने में भी टेस्टी होंगी। यहाँ पे हमने ग्रीन और रेड सॉस दोनों ली हुई हैं और ये मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखना कितनी नरम है ये अंदर से, ये देखिए, और ये अच्छे से सीख भी रही हैं। अब मैं यहाँ रख देती हूँ। ये हम ग्रीन सॉस के साथ और रेड सॉस के साथ हम इसको इंजॉय करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो और ये रेसिपी हमारी कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू और अपना प्यार ऐसे बनाए रखें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थोड़ी बड़ी होगी। 7 नहीं डली हैं, अभी 6 डली हैं।